वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। जून को मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ था। वहीं मतदान के दौरान बहुत से जगहों पर फायरिंग की गई थी, वहीं उपद्रवियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। मुरैना में गांव वालों के द्वारा तहसीलदार से मतपेटी लूटने की कोशिश की गई थी और मतगणना स्थल पर पथराव भी किया गया था। वहीं पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए मुरैना में उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलवाया था और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी और साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। वहीं आपको बता दें कि मुरैना के बाद अब गुना में भी पुलिस प्रशासन एक्शन में है और उपद्रवियों पर जमकर कार्रवाई कर रही है। जिले में पंचायत चुनाव में मतदान दल और पुलिस पर हमला करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इन हमलावरों के घर बुधवार को जमींदोज कर दिया गया है। ग्रामीणों ने 25 जून को पहले चरण के मतदान के बाद पिपरोदा गांव में मतदान दल पर हमला कर दिया था। उनकी गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए थे, इससे पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान हुआ था। यहां करीब 250 लोगों ने बूथ को भी घेर लिया था। वहीं राजस्व टीम जब गांव पहुंचकर नापजोक की तो पता चला कि कई घर अवैध बने हुए हैं। वहीं बुधवार शाम तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में राजस्व की टीम ने पहुंचकर मुख्य अवैध निर्माण को ढहा दिया है। टीम ने आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि छोटी छिकारी के पास एक प्रत्याशी के समर्थकों ने हारने से नाराज होकर अपने समर्थक के साथ पथराव किया। इन लोगों ने सड़क पर पत्थर रखकर मतदान दल को लेकर वापस लौट रही बस को रोका, उसमें बैठी मतदान टीम को पीटा और बस पर पथराव किया, जिससे बस क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं चुनाव परिणाम से नाराज प्रत्याशियों ने समर्थकों ने शनिवार को गुना फतेहगढ़ स्टेट हाईवे भी जाम किया था। ग्रामीणों का यह विरोध प्रदर्शन करीब 5 घंटे तक चला था। वहीं तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा, टीआई विनोद छावई जब पिपरोदा खुर्द में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने वाले मुख्य आरोपित का मकान तोड़ने के लिए पहुंचे तो यहां पे भारी भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने मौके से भीड़ को हटाया। वहीं कुछ लोग यह भी कहते नजर आए कि साहब हमारा घर तो नहीं तोड़ेंगे। इस दौरान कैंट थाना प्रभारी ने कहा कि आप लोग फरार आरोपियों को हाजिर कराओ, नहीं तो उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। वही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में पिपरोदा खुर्द में मुख्य आरोपी जो अभी फरार है, उसने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था, जिसे राजस्व और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बुलडोजर से ढहा दिया है। आगामी दिनों में पथराव करने वाले अन्य आरोपितों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं से साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश के माहौल को खराब करने वाले उपद्रवियों को, गुंडे, बदमाशों को मामा का बुलडोजर किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा।